तो मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करेंगे बिग मिस्टेक्स ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर्स, जिसके अंदर हमने इससे पहले नेहरू की द्वारा की गई वे सभी गलतियां डिस्कस की हैं जिसके अंदर नेहरू ने अपना मेजर रोल प्ले किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा की गई एक छोटी सी गलती, जिसे पूरा विश्व, जो पूरा कंट्री है, इसे गलत तरीके से देखने का प्रयास करता है और शास्त्री जी की बहुत जबरदस्त छवि को गिराने का प्रयास करता है। इसके बाद इंदिरा गांधी की कुछ कमियों को डिस्कस किया जाएगा आज के चैनल के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सारी चीजों की जानकारी देते रहेंगे। सबसे पहली चीज, लाल बहादुर शास्त्री जिनका जन्म 1904 अक्टूबर 2 तारीख को हुआ था और जिनकी डेथ हुई 11 जनवरी 1966 को, सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने आने के बाद श्वेत क्रांति और हरित क्रांति पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इन्होंने अपने लाइफ टाइम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इवन दैट इन्होंने जो 1965 के अंदर वॉर हुई थी भारत और पाकिस्तान की, ऑर्डर दिया था और जाकर लाहौर के ऊपर भारत का झंडा लहरा दिया था। उसके बाद ताशकंद का एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होने के बाद में इन्हें वापस उसी दौरान, एग्रीमेंट के तुरंत अगले दिन ही इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि हार्ट अटैक आता है, डेथ हो जाती है। वो बात अलग है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर बहुत सारी फाइल्स अलग अलग बननी है। इनके परिवार का कहना है कि जब इनकी डेड बॉडी घर पर आई तो उस पर काफी ज्यादा मार पीट के, यानी शरीर पर निशान थे, उसकी रिपोर्ट बनाई गई, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं की गई। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या पर काफी सारे सवाल हैं, उसको लेकर हम अलग वीडियो बनाएंगे। वैसे लाल बहादुर शास्त्री जी अकेले एक ऐसे कैरेक्टर रहे अपने पूरे कार्यकाल में जिन पर एक भी धब्बा नहीं था किसी भी प्रकार का, लेकिन इन पर गलतियों के दो साइन दिखाई देते हैं। सबसे पहली गलती का साइन दिखाई देता है कि शास्त्री जी ने नेहरू के द्वारा, जब आपको याद होगा, जब नेहरू जी ने भाषाओं के आधार पर पूरे के पूरे देश को अलग अलग राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया और ऐसे ही अलग अलग राज्यों में तमिलनाडु हो गया, कि भाषाओं के आधार पर बांट दिया था, तब इन्होंने कोशिश करी थी हिंदी को इम्पोज करने की एक नेशनल लैंग्वेज को, हिंदी को इन्होंने इम्पोज करने की कोशिश करी थी, जिससे पूरे देश के अंदर एजिटेशन होने लग गया, विवाद होने लगा, झगड़े होने लगे और अपनी भाषा को सभी लोग, सारे के सारे सांप्रदायिकता के सेक्शंस अपनी भाषा को सुपीरियर दिखाने लगी। जिस वजह से एनडीएस के अंदर क्या हुआ कि जो कैप्चर्ड स्ट्रेटेजिक एरिया था, पर्टिकुलर हाजीपुर पास और इचकोइल कैनल, इन आफ्टरमैथ द स्ट्रेटेजिक स्टेलमेंट ऑफ 1960 वॉर इन द फॉर्म ऑफ ताशकंद डिक्लेरेशन, जो ताशकंद डिक्लेरेशन के बाद उसे हमें क्या करना पड़ा था, स्टेलमेंट पर डालना पड़ गया, रोकना पड़ गया, और वो नुकसान हमारे लिए काफी बड़ा है। इसको अगर हम अवॉइड कर भी दें कि हिंदी को इन्होंने नेशनल भाषा लाने की कोशिश करी, जिसमें पूरे के पूरे अलग अलग सेक्शंस चिढ़ गए थे, जिन्होंने शोर मचा दिया था, हालांकि ये एक बड़ी गलती नहीं थी। गलती जो इनकी मानी जाती है, ये वही गलती है जो गलतियां हमारे आज से पहले के पूर्वज करते आए, यानी कि पहले जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती करी वही गलती इन्होंने करी। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, लड़ाई जीत गए, लड़ाई जीतने के बाद इन्होंने भी किसी भी प्रकार से कश्मीर वाले हिस्से को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया। हालांकि चाहते तो उस परिस्थिति के अंदर ये कंडीशंस ला सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई कंडीशंस नहीं लागू करी और बिना कुछ सोचते हुए, बिना कुछ चाहते हुए, बहुत आरामदायक तरीके से इन्होंने क्या किया, वो सारा का सारा जीता हुआ एरिया वापस कर दिया। हालांकि उस समय के अंदर कैप्चर कर पाना कोई पॉसिबल नहीं था दूसरे कंट्री को, तो वापस तो वैसे भी करना था, लेकिन उस परिस्थिति में अपनी कंडीशंस लगाकर ये बेसिकली कश्मीर वाला हिस्सा, जो टेररिज्म की वजह से प्रतिकृत में था, उसे ही अपना वापस प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उस पर इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। आपको पता होगा कि जीता हुआ कश्मीर जो था पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया था, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। इसके अलावा इन पर कोई भी दबाव नहीं था। हालांकि एक सबसे बड़ी बात यह भी थी कि शास्त्री जी के ऊपर ऐसा कोई, उस समय के अंदर भारत की परिस्थिति इतनी ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं थी कि हम बाकी देशों के विरोध या विद्रोह के अंदर आए, इसीलिए शांति से झगड़े को निपटाना हमारी सबसे पहली ही रिक्वायरमेंट रही। तो ये इनकी एक बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन इसे हम ब्लंडर में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय में भारत की परिस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट,
इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का रोल दोस्तों, अब इसमें जब मैं वीडियो बनाता हूं तो कुछ लोग मुझे बेसिकली भक्त बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जब मैं एक आधी कमी बताता हूं तो मुझे चमचा बोलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इन चीजों को अवॉइड करने के बाद अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज में एक डायनामिक पर्सनैलिटी थी इंदिरा गांधी। डायनामिक पर्सनैलिटी का मतलब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिसने सबसे लंबे समय तक भारत पर राज्य किया प्रधानमंत्री के पद पर और भारत का मार्गदर्शन किया, इतनी जबरदस्त लेडी जिसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, देश को झुकने नहीं दिया और अकेली ऐसी लेडी जिसने एक ही बार के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अलग अलग डिवीजन करके दिखा दिए। आपको पता होना चाहिए कि इस लेडी की क्वालिटी ऐसी थी कि किसी जमाने के अंदर कांग्रेस पार्टी इसे कठपुतली बनाना चाहते थे और अपने अनुसार चलाना चाहते थे, जिसमें के कामराज, मोरारजी देसाई जैसे लोग प्रधानमंत्री बनने की इच्छा में थे और इन्होंने अपनी बातें पूरी करवाने के लिए इंदिरा गांधी पर कई बार दबाव बनाने का प्रयास किया। पार्टी के अंदर विस्फोट विभाजन की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के अंदर इंदिरा गांधी को दोस्तों मोम की गुड़िया कहा जाता था और इस लेडी ने फिर मोम की गुड़िया से ज्वालामुखी बनकर दिखाया देश को और बहुत जबरदस्त तरीके से शासनकाल किया। जबरदस्त तरीके से शासनकाल करने के बाद दोस्तों इनकी कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर काफी बड़ी समस्याएं बनती चली गई और कांग्रेस के अंदर जो समस्याएं बनती चली गई तो वो दिक्कतें बनी। सबसे पहली चीज इंदिरा गांधी के लिए, आपके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी IAS विद हरिमोहन पर, आप उसको देखिए, आपको इनके एकदम जबरदस्त रोल के बारे में पता चलेगा। लेकिन गलतियां भी जाननी जरूरी है। जैसे कि इंदिरा गांधी जी का जन्म 1917 में हुआ और 84 में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रेसिडेंट बनी फीमेल प्रेसिडेंट 1966 के अंदर, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के तुरंत बाद ये पूरा का पूरा कार्य पदभार संभाल लेती हैं और 84 तक 1984 तक ये एक लंबा समय प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बिताती हैं। और ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री की पोस्ट पर डेथ हुई, इसके बाद इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री पोस्ट पर डेथ हुई, राजीव गांधी की भी डेथ उसी दौरान हुई जब वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर थे। मतलब कहने का इनके कार्यकाल के अंदर बहुत सारी समस्याएं चली। खैर, अब हम बात करते हैं गलतियों की दोस्तों। तो गलतियों में सबसे पहली गलती काइंड होती है कि एक पूरा का पूरा जवाहरलाल नेहरू ने दो आइलैंड दिए बर्मा को, जवाहरलाल नेहरू ने दो आइलैंड बर्मा को दिए जिसमें से कोको आइलैंड हो गया, कोको आइलैंड के बाद एक आइलैंड और दिया था, अब ऐसे ही कच्चा दीवु नाम का एक आइलैंड था इन्होंने श्रीलंका को गिफ्ट में दिया। हुआ क्या था कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, वो भी कब, जब नॉन प्रोलिफरेशन की पॉलिसी थी। नॉन प्रोलिफरेशन के अंदर कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, लेकिन इंदिरा गांधी की सपोर्ट से उस समय के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कराया गया। कंडक्ट होने के बाद बाकी सभी कंट्रीज ने क्या किया, इंडिया पर बैन लगाने शुरू कर दिए। इंडिया पर जब बैन लगाए गए तो इंडिया को लगा कि कहीं ना कहीं श्रीलंका एक छोटा देश जरूर है लेकिन हमारी सहायता कर सकता है यूनाइटेड नेशंस के आगे भारत की पॉजिटिव एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करने में। हालांकि करता भी, पहली बात करता भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि श्रीलंका एक बहुत छोटा कंट्री है जिसकी बातें जो थी यूएन के सामने रिप्रेजेंट होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने उठाकर एक कच्चा तीवु नाम का जो आइलैंड था ये उठाकर श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। ये तीसरा आइलैंड था जो कांग्रेस काल में दो बर्मा को गए और एक आइलैंड गया श्रीलंका को। तो जो दूसरा आइलैंड गया कच्चा तीवु आइलैंड, ये श्रीलंका को दिया गया। उस दौरान क्या हुआ था कि दोस्तों भारत के जितने भी तमिल लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा वर्ग यहां पर फिशिंग करता था, यानी कि जो मछली पालन और उसका काम करता था। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जब फिशिंग करता था तो आपस में ये वाला सेक्शन श्रीलंका को चला गया। अब इनमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने लगी और इनको प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, इनकी फार्मिंग पर यहां पर रोक लगने लगी। दूसरी चीज क्या थी कि जो तमिल और सिन्हाला का जो बड़ा सेक्शन श्रीलंका में था वहां पर आपस में इसी प्रॉब्लम की वजह से, कच्चा थी वो आइलैंड की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ी। बढ़ने के बाद LTTE के ग्रुप सामने आए जो एक तरफ किसी जमाने में श्रीलंका में आतंकवाद का कारण बनते थे, ये पावर में आए। ये वो लोग थे जो नक्सलाइज्ड सोच रखते थे और नक्सलाइज्ड सोच रखने के बाद इन्होंने
क्या किया, आगे चलने के बाद भारत से संबंध बिगाड़े, ना ही सिर्फ संबंध बिगाड़े जबकि राजीव गांधी की मृत्यु का कारण भी एलटीटी के ग्रुप ही थे और इसी एलटीटी की वजह से ही भारत के बहुत सारे सैनिक जो थे वो मारे गए इस ग्रुप से लड़ने के दौरान। इसमें मद्रास का भी कांड सामने आ जाता है। तो ये सारे के सारे कनेक्शन जो निकले, अगर ना तो गवर्नमेंट हमारी ये कच्चा थी वो आइलैंड गिफ्ट करती, ना ही गिफ्ट करती तो डिस्प्यूट नहीं होते, डिस्प्यूट नहीं होते ना ही एलटीटी सामने आती, ना ही राजीव गांधी मारे जाते। तो ये सारे कनेक्शंस जो थे ये कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने रिलेशन बनाने के लिए अच्छा काम किया, लेकिन इतिहास से भविष्य की तरफ इन्होंने नहीं देखा और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक बनकर सामने आई और कहीं ना कहीं भारत ने एक बहुत शानदार राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री को खो दिया। अगली गलती अगर हम देखते हैं तो गलती नंबर दो आती है शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट ये वही एग्रीमेंट था जिसके अंदर दोस्तों इंदिरा गांधी की और पाकिस्तान के जो इस समय बांग्लादेश है उससे लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान क्या होता है कि बुरी तरीके से बांग्लादेश जो आज का है इसे हरा दिया जाता है। हराने के बाद में 90,000 से 93,000 सैनिक जो होते हैं वो प्रिजनर ऑफ वॉर बनते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर बनते हैं। तो अब जाहिर सी बात है इसको अलग करके शिमला एग्रीमेंट के अंदर एक अलग देश बनाना पड़ता है और अलग देश बनाने के बाद इसे नाम दिया जाता है बांग्लादेश का। अब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर से बांग्लादेश नया नाम दिया गया और शिमला के अंदर इसका एग्रीमेंट हुआ, इसीलिए इसे शिमला एग्रीमेंट बोला जाता है। ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके अब ये नया सेक्शन बन गया। जो वॉर हुई थी उस वॉर के अंदर बुरी तरीके से इस सेक्शन को हरा कर बेसिकली अलग कर दिया गया। तो इसमें यहां पर भी कुछ गलतियां आई। गलती सबसे पहली ये आई कि शिमला एग्रीमेंट जब करने लग रहे थे तो इनका बहुत बड़ा सेक्शन जो था वो क्या था, जीता हुआ एरिया ये इन्होंने वापस कर दिया, 93,000 सैनिक वापस कर दिए। उसके बाद भी इन्होंने कश्मीर मुद्दे को सॉल्व नहीं किया। वही गलती यहां पर भी आई, जो गलती लाल बहादुर शास्त्री ने करी वही गलती शिमला एग्रीमेंट के अंदर इंदिरा गांधी ने करी और इंदिरा गांधी ने किसी भी तरीके से जो अपना कश्मीर वाला मुद्दा है इसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी, ना ही इन्होंने टेररिज्म वाले इशू पर कोई बात करी। दोस्तों रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया। चाहते तो ये बहुत सारे सेंशंस लगा सकते थे, चाहते तो इनके सैनिकों को बाद में दबाव देकर के अपने लिए यूज किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर ये चाहते तो दोस्तों ये पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा सकते थे कि आप लिमिटेड आर्मी रखेंगे, लिमिटेड सामान रखेंगे जो कि कश्मीर वैली में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये अगर ऐसे सैंक्शंस लगाते जैसे यूएसए ने जर्मनी पर सैंक्शंस लगाए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्सलीज की ट्रीटी के अंदर, अगर ये भी ऐसे सैंक्शंस लगाते तो कश्मीर का मुद्दा आतंकवाद की तरह सामने निकलकर नहीं आता और काफी लंबे अरसे तक ये मुद्दा खड़ा ही नहीं होता और धीरे धीरे ये सारी के सारे डिस्प्यूट जो होते वो समाप्त हो जाते, ना ही सीपैक का पॉलिसी बन पाता, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी नहीं शुरू हो पाता, क्योंकि अगर ये पूरे लगाते तो वो पूरा का पूरा सेक्शन जो है लगभग इंदिरा गांधी के कंट्रोल में हो जाता और भविष्य के लिए दिक्कतें नहीं आती। चाहते तो ये बलूचिस्तान के लिए भी कह सकते थे कि पाकिस्तान की आर्मी यहां पर कोई दबाव नहीं करेगी। इसके बाद सेम यही आर्मी जो थी बाद में जियोपॉलिटिक्स के आधार पर बलूचिस्तान के अंदर डिप्लॉय की गई और डिप्लॉय करने के बाद में वही झगड़े बढ़ते चले गए। दोस्तों वही झगड़े बढ़ते चले गए। इंदिरा गांधी अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाती तो यहां पर इस मुद्दे को समाप्त किया जा सकता था, जो कि भारत के लिए एक तरीके से आज भी एक ऐसी हड्डी है जो गले में अटकी हुई है, निकल नहीं पा रही है और चाइना और पाकिस्तान इसी सेक्शन के आधार पर आज के दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बांग्लादेश मानते हैं अलग हो गए, लेकिन बांग्लादेश में भी क्या हुआ, जैसे ही अलग हुआ वहां पर भी इस समय सपोर्ट जो है वो आज के दिन अच्छे नेबर्स की तरह हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास आता है मिस्टेक नंबर तीसरी आती है इनकी, इन्होंने जुडिशरी को ही चैलेंज कर दिया, इन्होंने पूरी की पूरी जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश करी 1977 के अंदर। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने इन पर एक बहुत सिंपल सा एक
ब्लेम लगाया गया, ब्लेम क्या लगाया गया कि जो इलेक्शन हुए हैं 1975 के अंदर या उससे उस समय में जो 1971 के अंदर जो ओपोनेंट था उस समय में इलेक्शन जो हुए उन इलेक्शन में इन्होंने बेईमानी करके इलेक्शन में जीत हासिल करी। ये चीज कोर्ट के सामने प्रूव हो गई, कोर्ट ने इन्हें सब कुछ रोकने के लिए और दोबारा इलेक्शन फॉर्म करने का निर्णय लिया। इस बीच में विद्रोह कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ने लगे और लोग इनका विरोध करने लगे तेजी से। इन्होंने क्या किया, जुडिशरी को ही कंट्रोल किया और इन्होंने इमरजेंसी को लगा दिया। इमरजेंसी लगाने के दौरान इन्होंने भारी मात्रा में क्या किया, भारी मात्रा में जितने भी विपक्ष के नेता थे उनको अरेस्ट कराना शुरू कर दिया, आरएसएस को बैन कर दिया, आरएसएस को बैन किया, विपक्षी नेताओं को बंद कराना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर मीडिया पर पूरा कंट्रोल छाने लगा, न्यूज़पेपर और मीडिया पर पूरा कंट्रोल छाने लगा। एक तरीके से डिक्टेटर वाली परिस्थिति इन्होंने क्रिएट कर दी थी और ये डिक्टेटर वाली परिस्थिति बहुत लंबे अरसे तक चली, लगभग 2 साल तक ये पूरा का पूरा सेक्शन चला। जिस बीच में यह इमरजेंसी की परिस्थिति के अंदर इनकी पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस से टूटकर बहुत सारे नए दल उठने लग गए और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस समय के अंदर अपना विपक्ष तैयार करना शुरू कर दिया और बहुत सारे विरोध के अंदर धीरे धीरे ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इनके खुद का जो बेटा था जो संजय गांधी था वो भी कहीं ना कहीं इस बात के विरोध में था इमरजेंसी के और उसने अलग पार्टी धीरे धीरे बनानी शुरू कर दी थी। इसी चीज के जरिए में दोस्तों बीच के अंदर हुआ क्या था, इन्होंने एक गलती और करी थी जो पूरे का पूरा बहुत ज्यादा नेशन वाइड फैली थी। इन्होंने संजय गांधी की बीवी मेनका गांधी को घर से निकाल दिया था ऑन रोड पर, यानी कि सबके सामने न्यूज में खूब आई थी ये चीज, क्या कि उसके सामान की चेकिंग हुई, क्योंकि उस समय के अंदर इंदिरा गांधी को पता चल चुका था संजय गांधी और मेनका गांधी क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो था एक तरीके से मिस्टेक की तरह सामने आया और उसी की वजह से आगे प्रॉब्लम बढ़ी और इनके विपक्ष के नेताओं को इंदिरा गांधी के सामने खड़े होने का और बोलने का मौका मिलने लगा। इसके बाद लास्ट गलती जो आती है वो आती है इनकी भिंडरेवाला की सपोर्ट। पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए पॉपुलैरिटी को खत्म करना था इन्हें अपोजिशन की, इस वजह से इन्होंने भिंडरेवाला को सपोर्ट किया। भिंडरेवाला जो था एक पहले धर्मगुरु था, धीरे धीरे धर्मगुरु होने के बाद संजय गांधी का खुलकर सपोर्ट था, इंदिरा गांधी का भी सपोर्ट था और भिंडरेवाला राइज करने लगा, पावर ग्रो करने लगा। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो आज के दिन आपका गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, वहां पर धीरे धीरे इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए और पूरी तरीके से अपने आप को उठाना शुरू कर दिया। ये शुरुआत सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि नेहरू ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग किया था, तो इनका जो मानना था वो और तेजी से बढ़ने क्या लग गया कि हमें ऑटोनोमस दिया जाए, अलग राज्य की डिमांड की गई खालिस्तान की। भिंडरेवाला की सपोर्ट बहुत ज्यादा होती थी और खालिस्तान की डिमांड जो थी बहुत तेजी से पुरजोर करने लगी। इन्होंने अलग अलग राज्यों में घूम घूमकर इनकी पार्टी के सदस्यों ने स्टैंप बनानी शुरू कर दिए थे, करेंसी बन गई थी। करेंसी के अलावा दोस्तों इन्होंने अपना पासपोर्ट और वीजा का भी प्रावधान रख दिया था कि इस प्रकार से हम आगे ये चीजें रखेंगे। लेकिन क्या हुआ, भिंडरेवाला की पॉइंट्स जो थे किसी भी तरीके से कांग्रेस के समझ में नहीं आ रहे थे। जब कांग्रेस ने देख लिया कि भाई ये अब कंट्रोल से बाहर हो गया तो इन्होंने भिंडरेवाला को काफी बार टेबल पर बुलाया बातचीत करने के लिए। भिंडरेवाला किसी भी तरीके से इनके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं था, वो सिर्फ एक चीज की डिमांड पे था, ऑटोनॉमस चाहिए, जितने भी पंजाबी बोलने वाले लोग हैं उनको अलग कर दीजिए। इस बीच में भिंडरेवाला ने बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों की हत्याएं कर दी है, एडिटर्स की हत्या करी, एडिटर्स की हत्या के बाद कुछ आर्मी के जो सीनियर्स थे उनकी भी हत्या करी, जिस बात से चिढ़कर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत करी। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिंपल एक तरीका था जिसके अंदर भिंडरेवाला को और उसके जो 400 से ज्यादा लोग थे उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया। क्या इन्होंने जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया, जिस बीच में सरदार इन सिखों की निर्मम हत्या की गई, जो अंदर से अटैक भी हुए और अंदर से अटैक में काफी सारी आर्मी को भी नुकसान पहुंचा। इस बीच में इंदिरा गांधी ने ब्रूटली इन भिंडरेवाला के ग्रुप को समाप्त कर दिया। ये भिंडरेवाला का जो ग्रुप समाप्त क्या हुआ, इन्होंने तेजी से पावर गेन करनी शुरू कर दी। भिंडरेवाला की समाप्ति कहीं ना कहीं
सिखों के दंगे बढ़ के 84 के अंदर, सिखों के दंगे बढ़ के, दंगे भड़कने के बाद में सबसे बड़ी परिस्थिति क्या हुई, सिखों के दंगे बढ़ के और इंदिरा गांधी के ही बॉडीगार्ड्स ने उनको इसी बात से चिढ़कर गोलियां बरसा दी। आपको पता होना चाहिए कि भिंडरेवाला के ही कारण डेथ के बाद भी काफी ज्यादा उनका जो ग्रुप था वो एक्टिव रहा। उन्होंने कुछ फ्लाइट, एक फ्लाइट को उड़ा दिया था दोस्तों, फ्लाइट के बाद उन सभी लोगों को उड़ा दिया था जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर सीनियर पोस्ट पर एक्टिव थे, ढूंढ ढूंढ कर कई सालों तक मारा दोस्तों, हर एक उस फुस्क को बेसिकली, क्या नाम है, हर उस बंदे को मारा जो इस ऑपरेशन में सम्मिलित था। चौथी सबसे बड़ी गलती थी संजय गांधी की, इंदिरा गांधी की सपोर्ट में, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, संजय गांधी के पास ऑफिशियल कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन ऑफिशियल पोस्ट ना भी होने के बाद भी संजय गांधी कहीं ना कहीं अपना टेरर क्रिएट करने शुरू कर चुका था। संजय गांधी इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे थे और छोटे बेटे होने के बाद भी ये क्या करते थे, अपनी मदर की प्रधानमंत्री पोस्ट की सारी पावर्स का यूज करते थे। इमरजेंसी के दौरान सारे के सारे ऑर्डर्स जो आते थे वो मैक्सिमम ऑर्डर्स संजय गांधी की सपोर्ट से आते थे। संजय गांधी ही अकेले वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1976 के अंदर जबरदस्ती लोगों की नसबंदियां करवा दी थी, भारी मात्रा में 60-70 हजार लोगों की नसबंदी करा दी थी, क्योंकि इनको लगता था कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से देश में आगे खाने पीने के बांधे होने वाले हैं। तो इन्होंने अपनी पावर का यूज करके, कोई पोलाइट पावर पॉलिसीज को यूज नहीं किया, पोलाइट पॉलिसीज को यूज करने की जगह इन्होंने भरके नसबंदी करवानी शुरू करवा दी। इनके बारे में कहा जाता है कि संजय गांधी जो थे इंदिरा गांधी के भी अगेंस्ट खड़े हो जाते थे अपनी बातें पूरी करवाने के लिए। यही एक कारण है कि संजय गांधी ने विदाउट इंदिरा गांधी की सपोर्ट के भिंडरेवाला को सपोर्ट किया, बिना इंदिरा गांधी की परमिशन के भिंडरेवाला को सपोर्ट किया, और फाइनली क्या हुआ, भिंडरेवाला को खत्म करना पड़ा, और खत्म करने के बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु का कारण भी भिंडरेवाला का समाप्ति था। तो ये वो मिस्टेक थी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने पूरे कार्यकाल में पॉजिटिव बहुत सारे काम किए, लेकिन इनकी ये चार बड़ी मिस्टेक्स जी जो कि इतिहास के अंदर याद रखी जाएंगी, इन्हीं के द्वारा की गई गलती आगे आने वाले समय में इनके बेटे राजीव गांधी को भी भुगतनी पड़ी। तो आज हम यहीं पर इसी पॉइंट नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं अपने पास जितने भी पॉइंट्स हैं वो समझ में आए होंगे। आगे नेक्स्ट और भी प्रधानमंत्रियों की हम ऐसी ब्लंडर्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।